नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम जानेंगे ये जो हमारे इंडिकेटर है इसके अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं और ये कैसे काम करता है, इस वीडियो हम जानेंगे। तो ये जो आप इंडिकेटर देख सकते हो ये मॉड्यूलर टाइप के इंडिकेटर है जो 6 एम्पीयर 230 वोल्ट की रेटिंग पे काम करते हैं। तो पहले फटाफट से इसके अंदर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो ये हम इसको कवर निकालते इस तरह से, ठीक है, और ये दूसरा उसका भी कवर निकाल देते हैं। तो इसमें से एक इंडिकेटर मेरे पास जो है उसका थोड़ा जल गया था तो मैंने उसको भी सैंपल की तरह रखा है बताने के लिए। तो ये हमने निकाल दिया दोनों को, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बता दें, तो ये जला हुआ है तो ये इस तरह से इसका लगा रहेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं ये दो टर्मिनल रहेंगे इस तरह से, ये पीछे के भी दो टर्मिनल रहते हैं, ठीक है, और ये है दोनों देव, ये दो पार्ट्स लगे रहते हैं। मैं आपको इसमें बता देता हूँ, तो अगर आप ध्यान से देख सकते हो इसके अंदर दो पार्ट्स जो लगे रहे, जो दो मेन ही पार्ट्स है, तो ये हमारा रजिस्टर है और ये हमारा नियॉन लैंप है। तो पहले हम नियॉन लैंप के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो जो हमारा नियॉन लैंप है तो उसका जो कवर है वो ग्लास से बना हुआ है। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे हैं, ठीक है, जो फिक्स होते हैं और इसके अंदर गैस भरा जाता है। तो इसके अंदर दो टाइप के गैस भरे जाते हैं, पहला तो हमारा नियॉन गैस और दूसरा आर्गन गैस। अगर नियॉन गैस भरा होगा तो ये जो हमारा इंडिकेटर या जो हमारा नियॉन लैंप है वो ऑरेंज कलर से ग्लो होता है, तो हमें पता चल जाएगा ये हमारा नियॉन गैस भरा है। अगर इसके अंदर आर्गन गैस भरा होगा तो ये जो ग्लो होगा उसका कलर ब्लू होगा, ये ठीक है, ब्लू कलर से ग्लो होगा, तो ये हमारा आर्गन गैस भरा जाता है। मोस्टली जो होता है नियॉन गैस भरा जाता है, जिससे भी आप जब भी इंडिकेटर को देखो तो वो ऑरेंज कलर से देखा, ठीक है, वो हम प्रैक्टिकली भी देख लेंगे। और इसके बाद आप देखिए ये रजिस्टर होता है तो जो 220 किलो ओम तक मैक्सिमम इसके अंदर रहता है, ठीक है, अलग अलग रेटिंग हो उससे कम भी हो सकता है, ठीक है, मगर 220 किलो ओम मैक्सिमम इसके अंदर रखा जाता है। तो ये जो हमारा नियॉन लैंप है तो वो जो उसका ऑपरेटिंग यानी वोल्टेज है, जब जो अंदर का गैस होगा वो आइना, अगर हम इसको 230 वोल्ट देते हैं, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस क्या करें उसको कम करंट देगा, सप्लाई देगा, ठीक है, अंदर करंट कम जाएगा। तो जो इसके अंदर जो करंट उसकी जो लिमिट है वो 0.1 एम्पीयर से लेके 10 मिली एम्पीयर तक की होती है। और जो इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी कितने वोल्टेज पर जो अंदर जो गैस होगा वो आइनाइज होगा और इसको ग्लो करेगा, तो जो 60 वोल्ट से लेके 90 वोल्ट तक का सप्लाई इसके अंदर जाएगा। फिर वो जैसे इसको सप्लाई मिलना चालू होगा तो अंदर के जो इलेक्ट्रोड होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, वहाँ पर जो गैस होगा उसको वो आयनाइज करना चालू करेगा, जिससे कि ये हमारा लैंप ग्लो हो जाएगा। जब फुल ग्लो हो जाएगा तो ये 60 से 100 वॉट्स के अराउंड फुल ग्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा नियॉन लैंप काम करता है। अगर ज़्यादा करंट जाएगा तो फिर ये जल जाएगा, जिससे कि मैंने बताया ये ऑलरेडी मेरा जो नियॉन लैंप है वो जल गया, ब्लैक कलर से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी इसके सप्लाई देके हम देख लेंगे, ठीक है, और जो अंदर जो रेजिस्टेंस लगा वो कितने ओम का वो भी हम देख लेते हैं। तो अभी हमने मल्टीमीटर में इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेट कर दिया, ठीक है। तो अभी जो मैंने इसका जो एक रेजिस्टर था वो निकाल दिया और वो हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसको चेक कर लेते हैं कितना मिल रहा है। तो ये हमें 65-60 ओम मिल रहा है, ठीक है, किलो ओम, सॉरी यानी 70 किलो ओम जितना ये रेजिस्टेंस है। जैसे मैंने आपको बताया 220 तक किलो ओम तक के मैक्सिमम होते हैं, तो ये अभी 70 किलो ओम का यहाँ पे इसमें रहा, जो ब्रांड पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको सप्लाई देके भी आपको बता देता हूँ कैसे ये वर्क करता है। सप्लाई देके भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पॉजिटिव सप्लाई लगा रहा हूँ इस तरह से यहाँ पर, और दूसरा जो मेरा रजिस्टेंस टूट गया वहाँ पर लगा रहा हूँ। तो ये देखिए, तो ये जो नियॉन लैंप हमारा जल रहा है, ठीक है, ये देखिए, तो ये देखिए ऑरेंज कलर से जल रहा है। तो ये इस तरह से काम कर रहा है, जैसे मैंने बताया 60 वोल्ट से लेके एवरेज 90 वोल्ट पकड़ के चाहिए, 90 वोल्ट इसको मिल रहे होंगे अभी। तो ये अभी ब्लिंकिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि थोड़ा ये मैंने सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से इसको चेक कर रहा हूँ, इसकी वजह से सप्लाई इसको थोड़ा कम मिल रहा है। तो ये इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे इंडिकेटर होते हैं, तो जैसे मैंने आपको इसके अंदर सिर्फ दो ही चीज़ होते हैं, नियॉन लैंप और ये हमारा रजिस्टर जिसको बैलेंस रजिस्टर भी कहा जाता है। तो ये जो हमारा इंडिकेटर, घर के जो इंडिकेटर होते हैं, सप्लाई इंडिकेटर या बोर्ड के अंदर जो इंडिकेटर लगे थे, तो ये इस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स। दोस्तों, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो लाइक वाले बटन को करंट लगा दो, सब्सक्राइब बटन को शॉर्ट सर्किट के तौर में चैनल को पावर दे दो, जिससे कि मेरी इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।